हे गाइस, माय नेम इज अमृता। इस वीडियो में आप लोगों को कर्ल्स करना बताऊंगी। वैसे तो कर्ल्स सभी को पता है, लेकिन विदाउट हीट, विदाउट टोंग मशीन, विदाउट वायर और घर पे ही खुद अपने आप कर्ल्स कैसे कर सकते हैं, मैं ये बताऊंगी। और इसमें आपकी हेयर डैमेज भी नहीं होगा। नहीं तो मोस्टली ये होता है, हम सलोन जाके कर्ल्स करवा के आते हैं, जो बहुत ज़्यादा हीट होता है, जिसमें जो है वो हीट के थ्रू आपके बाल को कर्ल्स करते हैं, कई बार ड्रायर यूज़ करते हैं, जिससे आफ्टर वॉश जो है हमारी हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीजी ड्राई लगते हैं, और जिसके कारण हेयर जो है टूटने शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगी, ऐसी चीज़ लेके आई हूँ जिससे आपके बाल ना डैमेज होंगे और ना ड्राई होंगे, ना फ्रीजी होगा। आफ्टर कर्ल्स आप घर पर ही बहुत ईजिली कर सकते हैं। ये जो स्टिक्स हैं, इन्हें फॉर्म स्टिक्स कहते हैं। ये बहुत ही चीप रेट में और इसका जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगी, और बहुत ज़्यादा टाइम भी यूज़ नहीं होता इसको करने, कर्ल्स होने में 2 घंटे। अगर आपको आफ्टरनून में जाना है तो आप 2 घंटे पहले इसे यूज़ कर ले। और जैसे कि आप सभी को पता है, फेस्टिवल्स टाइम है, सीज़न, शादियों का भी सीज़न है, और कई बार टाइम नहीं होता सलून जाने का। हम खुद ही अपने आप ही घर पे कर्ल्स कैसे कर सकते हैं, चलिए अब शुरू करते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, अपने हेयर को 60-70% वेट करने हैं। मतलब अगर आपने शैम्पू नहीं किया तो उस टाइम पे शैम्पू कर ले, उसके बाद कंडीशनर यूज़ कर ले, बस सीरम ना लगाए। लेकिन आपके जो हेयर है 60-70% वेट होने चाहिए। और इसको यूज़ करने का जो टेक्निक है वो भी बहुत इजी है, एक कॉम की हेल्प ले, उसके बाद आप सेंटर चीर निकाले सबसे पहले। मैं अपने हेयर जो है वेट कर चुकी हूँ, ये मेरे जो हेयर है 70% वेट है। सबसे पहले सेंटर चीर निकाले, सेंटर चीर निकालने के बाद उसको सेक्शन कर ले अपने हेयर्स को। को सेक्शन क्लिप की हेल्प से टक कर दे साइड में। अगर आपके पास सेक्शन क्लिप नहीं है तो आप घर पे इतने सारे क्लचर्स होते हैं, आप क्लचर भी यूज कर सकती हैं। अब मैंने जो अपने हेयर को 4 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है, 2 पीछे हैं, 2 आगे हैं। और इसको जो लगाने का जो टेक्निक है वो भी बहुत इजी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे यूज़ करने में। मैं अपने इस साइड वाले हेयर को भी सिक्योर कर रही हूँ। अब ये जो हेयर बचे हैं सबसे पहले मैं इसमें लगा के आपको दिखाऊंगी। अच्छे से कॉम कर ले। अब ये डिपेंड करेगा कि आपको कैसे कर्ल्स चाहिए। आपको अगर टाइट कर्ल्स चाहिए तो ऊपर से ही इसको रोल करते हुए यूज़ करें, बट मुझे टाइट कर्ल्स नहीं चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट कर्ल्स चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको यूज़ करें। इन हेयर को भी सेक्शन करें। अब मैंने ये लेयर लिए हैं, इसको मैं अच्छे से कॉम कर लूँगी। अच्छे से कॉम करने के बाद ये मैं एक स्टिक ले रही हूँ, जिसे हम फॉर्म स्टिक बोलते हैं, इसको रैप करना है आपको। और ऊपर से भी इसको फोल्ड करना है ऐसे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। फिर नीचे से भी इसको ऐसे फोल्ड कर दे। इसको ऐसे लगाए, ये जो हेयर है इसको थोड़ा सा और, ऐसे इसको यूज करें। फिर दूसरा सेक्शन निकाले।
कॉम कर ले उसको अच्छे से। बहुत ज़्यादा थिक लेयर ना ले फिर करने में प्रॉब्लम होगी, प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा। इसको ऐसे हैंग कर ले पहले, फिर हेयर को ऐसे ट्विस्ट करे। बहुत इजी है इसको यूज़ करना। जैसे कि आप देख रहे हो मैं ये फ्रंट कवर कर चुकी हूँ, फ्रंट में लगा चुकी हूँ। कितना इजी है इसको लगाने में, अगर इसको लगाना बहुत इजी है और मुझे बहुत ज़्यादा टाइट कर्ल्स नहीं चाहिए इसलिए मैंने यहाँ से शुरू की है। अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा टाइट कर्ल्स चाहिए तो आप रूट से ही शुरू कर सकते हैं, और उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊँगी नेक्स्ट टाइम जिसमें आपको बताऊँगी उसमें कैसे लगाना। उसका जो लगाने की जो टेक्निक है वो थोड़ा अलग है। देखिए कितना ईजी है। मैं फ्रंट कवर कर चुकी हूँ, अब मैं बैक में बताऊँगी। बैक में भी कई लोग सोचते हैं कि बैक में लगाना बहुत मुश्किल होता है, ये भी बहुत इजी है। आपको ऐसे ही सेक्शन निकालने हैं जैसे मैंने फ्रंट के लिए निकाले हैं। अच्छे से कॉम कर ले। देखिए पीछे के हेयर को कवर करना भी कितना इजी, पीछे के हेयर में लगाना भी कितना इजी है। देखिए मैं इस पूरे एक साइड पूरा हेयर कंप्लीट कर चुकी हूँ, पूरे हेयर में लगा चुकी हूँ, और ये बहुत ही इजी टेक्निक है जो आपने सीखा ही देख के। और अब मैं दूसरी साइड लगाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं फ्रंट ही कवर करूँगी। इस साइड भी मैं फ्रंट कर चुकी हूँ, सॉरी फ्रंट कंप्लीट कर चुकी हूँ जैसे कि आपको दिख रहा होगा, और बहुत ही इजी है ये लगाना। अब मैं पीछे के हेयर में लगा रही हूँ। देखिए मैं सारे हेयर में लगा चुकी हूँ, ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे 2 घंटे के लिए छोड़ूंगी, और ये इतना ये जो स्टिक्स है ये आपकी इतनी हेल्प करेगा। अगर आप कहीं और जाते हैं शादी अटेंड करने के लिए और आपके पास टाइम नहीं है, और कल शादी है आज जा रहे हो और एट नाइट पहुँच रहे अगले दिन, आप कैसे रेडी हो, तो आप ये अपने साथ कैरी करके भी लेके जा सकते हैं। और जाने से पहले 2 घंटे पहले आप सुबह उठ के भी लगाएंगी, अगर आपको 10-12 बजे जाना है तो ये 2 घंटे में आपके हेयर्स इतने अच्छे कर्ल्स होंगे कि आपको लगेगा कि जैसे आपने सलोन से ही कराया है। 2 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको खोल के दिखाऊंगी ये जो मैंने स्टिक्स लगाए हैं। चले अब शुरू करते हैं। खोलना भी बहुत इजी है वैसे ये। ओ वाओ, ओ मैं
ये एक साइड के खोल चुकी हूँ, सारे जो स्टिक्स मैंने लगाए थे आपको दिख ही रहा होगा, कितने अमेजिंग लग रहे हैं। विदाउट हीट, विदाउट ड्रायर एंड विदाउट टोंग के मैंने ये किए हैं, बहुत अमेजिंग लुक आ रही है और बहुत सॉफ्ट कर्ल्स हैं। मैं सारे खोल चुकी हूँ, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा इतने सुंदर और इतने सॉफ्ट कर्ल्स हुए हैं। अगर आपको लगे कि ये कर्ल्स थोड़े से टाइट है तो थोड़ा सा इसे पुल कर सकते हैं, जिससे बहुत सॉफ्ट और थोड़ा सा बीची वेव का लुक भी आ सकता है अगर आप इसे खोल देते हैं। बट ये मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग आपको कैसा स्टाइल रखना है, कैसे पार्टीशन रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने हेयर्स को सेट कर ले। बट आप देखिए कितने अमेजिंग कर्ल्स हुए हैं और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। Thank you for watching this video. Bye. बोले जब वीडियो बनाओगे ना ऐसे करके 2 hours दिखा देना, वो जो गोल सा ऐसे दिखाते नहीं है, हैं? वो ऐसे गोल सा दिखाते हैं, 2 hours कंप्लीट हो गया, हैं? वो दिखा दे। ताली बजाऊं क्या? ताली क्यों नहीं बजा रहे, क्यों नहीं बजवा रहे ताली? क्या कर रहे तुम?